बीकेटी में खरीदी 54,000 स्क्वायर फीट जमीन निकले विवादित। पुलिस की जांच में सामने आया शैलेंद्र ने अपनी कमाई पूरी रकम कई जमीन में निवेश कर रखा था। लोगों का पैसा अदा करने के लिए लिया लाखों का लोन। कर्ज और नौकरी के नाम पर लेनदेन के बिंदु पर कर रही है पड़ताल। जानकीपुरम के सुल्तानपुर में नलकूप विभाग के जेई शैलेंद्र कुमार और उनके परिवार की मौत की 3 वजह बनी, जिसमें सबसे बड़े वजह करीब 35 करोड़ रुपए की विवादित जमीन थी। दूसरी उसकी बिक्री न होने पर लोन लेने को लेकर ब्रोकर को लाखों रुपए देने पर बढ़ता कर्ज और तीसरी नौकरी के नाम पर लिए पैसे लेने के बाद नौकरी न दिलवा पाना। लखनऊ के सुल्तानपुर गांव जो जानकीपुरम इलाके में पड़ता है, वहां पर बुधवार को जूनियर इंजीनियर ने अपने परिवार के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस आत्महत्या के पीछे एक बड़ा खुलासा हुआ है जो कि पुलिस ने किया है। बताया गया है कि 54,000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीदी गई थी जिसकी बिक्री नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसकी वजह थी वो जमीन विवादित निकली। जेई शैलेंद्र कुमार ने खुद के साथ पत्नी गीता और बेटी प्राची को मौत की वजह जिन 4 लोगों को बताया, उनमें पूछताछ में ये खुलासे हुए हैं। पुलिस टीम आरोपियों से मिली जानकारी पर इन बिंदुओं पर जांच तेज कर रही है। शैलेंद्र ने उस जमीन पर प्लाटिंग शुरू की, लेकिन जमीन विवादित होने की बात सामने आई। इस पर उसके साथ करीबी दर्जन भर लोगों का पैसा फंस गया, जिसके बाद ग्राहक पैसा वापसी का दबाव बनाने लगे, जिसमें धमकी देने में आरोपी मोबीन खान और नरेंद्र प्रताप प्रमुख है। गुरुवार को मृतक शैलेंद्र का बेटा लखनऊ पहुंचा, जिसके बाद शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए इटौंजा गांव पहुंचा है, जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे ने बताया कि 2014 में उसके पिता ने प्रॉपर्टी डीलर से एक जमीन खरीदी थी, जिसमें उन्होंने लोन भी लिया हुआ था, लेकिन वो पैसा नहीं चुकता कर पाए और ब्रोकरों के द्वारा लगातार उनको धमकियां मिल रही थी। जेई शैलेंद्र में विवादित जमीन पर प्लाटिंग करने से कई लोगों का पैसा फंस गया। उन्हें पैसा लौटाने के लिए बैंक के ब्रोकर शैलेंद्र श्रीवास्तव को लोन देने के नाम पर 65,00,000 रुपए दे दिए। शैलेंद्र लोन न मिलने और कर्ज बढ़ने पर मानसिक दबाव में आ गए। लोग फोन पर पैसा वापस करने का दबाव बनाने लगे। इसका नतीजा उन्होंने पत्नी और दोस्त के नाम पर 2 जमीन गिफ्ट कर दी, जिसके नाम पर लोन उठा लिया, लेकिन किश्त नहीं अदा कर पाए। डीसीपी उत्तरी सैयद कासिम आब्दी ने बताया कि सुसाइड नोट के आधार पर 3 आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसमें विवादित जमीन खरीदने से लेकर उस पर लोन का प्रयास और नौकरी के नाम पर पैसा लेने जैसी बातें सामने आई हैं। पुलिस टीम इन बिंदुओं की जांच कर रही है। इसके लिए बीकेटी से जमीन संबंधी कागजात और आरोपियों से लेनदेन का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट पुलिस को मिला है। पुलिस ने उस सुसाइड नोट के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जो मृतक था उसने कई लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे भी लिए थे, उस पैसे को जमीन में निवेश किया था, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ, जिसके बाद से वो लगातार परेशान होता चला गया। इसी परेशानी की वजह से उसने ये कदम भी उठाया। फिलहाल पुलिस जो नामजद आरोपी थे उनसे भी पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई है। शैलेंद्र के लखनऊ स्थित घर पर ताला पड़ा था। शैलेंद्र का पैतृक गांव इटौंजा के असनहा गांव में पत्नी गीता और बेटी ऋचा के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गुरुवार का गांव हो या लखनऊ स्थित घर के आसपास के लोग, सभी जगह उनकी सुसाइड के कारणों को लेकर लोग चर्चा करते रहे। उनके भाई सतेंद्र ने बताया कि भाई ने कभी ये नहीं बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है, यदि बताते तो शायद यह दिन देखने को नहीं मिलता। हमारे पिता भवानी दीन टीचर और माँ आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर थी, दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। माँ रामदेवी की मौत होने पर उनकी जगह मुझे नौकरी मिली थी। नलकूप विभाग में जेई शैलेंद्र जानकीपुरम में पत्नी गीता बेटी प्राची के साथ जहर खा लिया था। उन्होंने सुसाइड नोट में 4 लोगों के नाम लिखे, जिसमें उन्होंने शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मोबीन खान, नरेंद्र प्रताप सिंह और संतोष कुमार शुक्ला की प्रताड़ना से तंग होने की बात कही थी। पुलिस अधिकारी का मानना है कि इस खुदकुशी मामले में रजिस्ट्री का विवादित मामला ज्यादा सामने आ रहा है, इसलिए पुलिस उस जमीन की रजिस्ट्री के कागजों को खंगाल रही है। इसके साथ ही पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जो लोन की बात आ रही है, उस लोन को लेकर के भी पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन अभी जो आरोपी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन वो पुलिस कस्टडी में है, जिनसे लगातार नए नए पहलुओं पर तफ्तीश हो रही है। तो वहीं जो खुदकुशी कागज है उसको भी लेकर के पुलिस कई तथ्यों के पहलुओं पर निगाह डाल रही है, इसके बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई करने की बात कर रही है।